उए, ये वही है यार, अगर तुम हिले तो ये फट सकता है। कुछ कुछ नहीं तो इसका कुछ हल निकालते हैं प्लीज यार वसीम भाई। यार चलो भागो यार, भाग ना जाए। 1 2 3 स्टार्ट गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो अब हम फिर उसी रेगिस्तान में आ चुके हैं जहाँ पे हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि पब्लिक ने हमें कमेंट किया था कि ये बहुत ही डेंजरस एरिया है, तो इसकी एक दूसरी साइड है, वहाँ पे इंसान का जाना बिल्कुल मना है। तो हम हैं 2 व्लॉगर, हमने खतरों से खेलना है। आज हमने उस जगह पे जाना है, इसकी दूसरी साइड पे ना, बैक साइड पे एक जगह है, वहां पे इंसान का जाना बिल्कुल मना है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो हम जाने वाले हैं वहां पे, आज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और खतरनाक होने वाली पे, तो चले। गाइस इतनी ज्यादा गर्मी है रेगिस्तान में, क्या बताएं। जब हम पहली बार आए थे ना यहाँ पे तो इतनी गर्मी नहीं थी, तो हम वही समझ रहे थे कि अब भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत तेज धूप है। इस धूप की वजह से ना मोबाइल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है, हमारे जो फेस है बहुत बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, तो हमें पसीना भी बहुत ज्यादा आया हुआ है। तो अभी वीडियो तो लाजमी बनानी है क्योंकि हम 3-4 घंटे का सफर करके आए, इस टैंक तक पहुँचे 3-4 घंटे हमें लगे हैं, अभी वीडियो तो लाजमी बनानी है। काफ़ी टाइम हो गया है गाइस हमें चलते चलते, अभी हम आगे हमें खेत नज़र आ गया कोई, तो हम ढूंढ रहे हैं जगह कोई अच्छी जहाँ पे साया हो, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, रेस्ट तो कर लें ना, क्योंकि हमें जितना पसीना आएगा उतना हमें पानी की कमी होगी, इसको क्रॉस करना होगा हमें। शुक्र ये कट गया, अगर ये कटा ना होता तो मैं वहाँ से जाने वाले हैं। तो सुना गया है कि वहाँ पे ना लैंड माइन बिछे हुए हैं, जो जमीनी बम होते हैं ना हमारी जुबान में तो उसी को बोलते हैं, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। बोला उन्होंने बोला था वो काफ़ी साल पहले, तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं, इतना पहले उन्होंने बिछाए थे, तो अब तो वो ख़त्म हो गए होंगे। अगर वो हमें मिल जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं, वैसे तो इंटरनेट पर भी वो मिल जाते हैं उसकी तस्वीर वगैरह, लेकिन लाइव आपको दिखाएंगे कि वो कैसे होते हैं। यहाँ पर हम बैठते हैं, चलो ये जगह हमें मिल गई, कुछ चीज थी इधर। तो हम यहाँ पर आ गए, ये हमें साया मिला है, ये देख सकते हैं, ये छोटी सी झाड़ी है कांटों वाली है, तो शुक्र ये हमें मिल गई है ना। अभी टाइम काफी हो गया यहाँ पे हमें बैठे हुए, तो अभी तकरीबन ना मेरे ख्याल में 2 से 3 घंटे का सफर है वहाँ पे पहुँचने का, है ना। हमें ना अब चलना चाहिए, हमें नहीं नहीं 45 मिनट हमें रेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। गाइस अगर आप भी रेगिस्तान में सफर कर रहे हैं, अगर कोई मजबूरी बन जाती हो तो जितना हो सके खुद को रेस्ट दें, जितना हो सके कि आपका पसीना ना निकले बस, क्योंकि अगर आपका पसीना निकलेगा, पसीना आएगा तो पानी की कमी हो जाएगी। ओके चलते तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है गाइस, तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते, तो अब देख सकते हैं सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, तो अभी हमें चाहिए थोड़ा सा रेस्ट कर लें। रखा इधर आओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, मेरा यही दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें क्योंकि काफ़ी सफ़र कर लिया है, रेस्ट कर लिया, सारा सफ़र है, तो आपकी मर्जी रेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी वो जगह आने वाली है, वो जगह थोड़ा सा गाइस रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे सफर को चलते हैं। आधा घंटा हो गया है, रेस्ट कर लिया है, उठ जाओ यार, थक तो नहीं गए हैं, सूरज बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला है भाईजान। आधा घंटा रेस्ट किया है, रखा किधर, मैं यार बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और सब कुछ है भाईजान, एक मिनट सर, एक मिनट, हमें कोई बंदे मिल गए हैं, काफी 5 घंटे के बाद हमें इधर बंदे मिले हैं, तो उनसे थोड़ा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या
अच्छा भाई जान, ये बताएं ये कौन सी जगह है, कौन सी रात में जाना है? हम यार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम एक यूट्यूबर हैं, सर्वाइवर वीडियो बना रहे हैं। सर्वाइवर वीडियो बनानी, हम इस साइड से जा रहे हैं भाई जान। इधर आपने नहीं जाना, इधर खतरा, इधर चले जाए, इधर बात। इधर किस चीज का खतरा? इधर यार एक बार मैंने बकरियां चराई थी, एक इधर बम फूटा हुआ है, हमारे 3-4 बकरियां भी मर गई, तो बम फटा था। इधर कौन से बम पे? ये फौजी एरिया है, फौजी एरिया में बम। इधर आपने नहीं जाना। हाँ जी, और इस साइड, इस साइड में आबादी किधर है? इधर आबादी है, इधर इधर आबादी है। अच्छा ये बताएं, वो जो आप एरिया बता रहे हैं, हाँ जी, वो यहाँ से कितना दूर है? ये तकरीबन 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर, हाँ जी। हाँ चलते हैं इसी साइड पे, क्योंकि हम हमने यार वो चीज दिखानी है, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो क्या चीज़? नहीं उधर आप नहीं जाना, वो बम है। अच्छा हाँ, वो फौजी एरिया ना, ये उधर बम फूटे हुए हैं भैया। उधर चलो अब बात सुने, तो अभी हम आपसे इसलिए गुफ्तगू आपको बुलाया है क्योंकि 4-5 घंटे से हम सर्वाइवर वीडियो बना रहे हैं, तो हमें पहले कोई बंदा नहीं दिखा, तो आप पहले बंदे हैं जो हमें दिखे हैं। तो आपने हमें बताया है कि ये इधर कोई पानी वगैरह है? नहीं पानी इधर नहीं है, इधर पानी नहीं मिलेगा, मजबूरी हो गया। चलो जी भाई, थैंक यू, थैंक यू गाइड करने का, हम तो अपनी वीडियो बनाए, ठीक है। तो अभी दो भाई हमें मिले थे, वो ये कह रहे थे कि इस साइड पे नहीं जाना, खतरा है। हेलो भाई जान, इधर आप नहीं जाने, इधर खतरा है। ओ भाई जान, हम नहीं जा रहे, आप रिलैक्स हो जाए, हम बस यहीं तक जाएंगे। कोई नहीं, हम उधर नहीं जा रहे, हम इधर रेस्ट करते हैं फिर वापस जाएंगे, ठीक है सर, थैंक यू। यार वो बार बार कह रहे हैं इधर खतरा है, लेकिन हमने खतरों के साथ खेलना है, हम खतरों के हैं खिलाड़ी, क्योंकि हम हैं 2 व्हीलर, तो इस साइड में बता। 1 किलोमीटर इतना नहीं है ना, बस ये हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है। चलो आगे तुम चलो, आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं। तो फैमिली गाइस, अभी ना 1.5 किलोमीटर सफर कर लिया है हमने, ऐसे ही है ना, ये वही वाला एरिया। हाँ रावगुरा में मिले, मिल गया तो भाई हम जाके बेचेंगे उसको। बेचेंगे? बेचेंगे क्या मतलब बेचेंगे हैं? उसको बेचेंगे ना। क्या कुछ आवाज आई है तुम्हें? हाँ चिड़िया की आ रही है, कसम से कड़क की आवाज आई है, जैसे कड़क ना हो ऐसे आवाज आई है, बस अल्लाह की कसम, बस पाँव ना हिला ना। ये वही एरिया जो पागल इंसान, मैं मजाक नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम कुछ आवाज आई है, आराम से कड़क की आवाज आई है। अपने ऐसा ऐसा अपने पैर के नीचे देखो, अपने अपने पाँव के नीचे देखो, ऐसा ऐसा पाँव नहीं हिलाना, पाँव नहीं हिलाना, ऐसा 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 ऐसा। रुको रुको, ख्याल से पाँव नहीं हिलाना, बस एक काम करो, पाँव नहीं हिलाना। रुको, ये वही हो सकता है यार, हो आवाज आई है, एहतियात बेहतर है, आवाज आई है। तुम एक काम करो, एक काम करो, मुझे देखने दो अपने पाँव के नीचे। यार मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा मेरे पाँव के नीचे, जैसे कोई हार्ड चीज हो। हार्ड चीज महसूस नहीं, उठाओ देखा जाएगा। नहीं उठा लो, ये पाँव उठा लो, अब उस पाँव में देखो, मुझे आवाज आई है ऐसे, सीरियसली बस। तुम भी ना हिल रहा, मैं नहीं हिल रहा, मैं बैठा हूँ, आप पहले खुद देख लो फिर उसके बाद। नहीं ये जो पूरी रेत फिसल रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं। उठाओ अब मेरे, उठाना पैर, उठाना पैर, उठाओ यार। आवाज आई है मुझे, आवाज आई है, जैसे कड़क की आवाज होती है। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, उठा लो। आराम से, आराम से, कसम तुम्हारे पाँव के नीचे हो सकता है, हिलना नहीं, आराम से देखो, आवाज आई है मुझे, मुझे लग रहा है मेरे इस चीज में कोई हार्ड चीज है, इस पार पैर में, सीरियसली बस इसमें कोई हार्ड चीज है। किसमें? इसमें कोई हार्ड चीज है, जैसे किल वगैरह हो ना, ऐसे मुझे लग रहा है कि इस पाँव में मेरे किल वगैरह है, कोई हार्ड चीज है। यार इसको बंद कर दो यार, बंद कर दो यार, इसमें देखो यार, इसमें कोई हार्ड चीज है, पहले इसको तो क्लियर करो यार। यार जिसके लिए वो वीडियो तो बना रहे ना, कम से कम वीडियो को छोड़ो। तो गाइस मुझे लगता है वही मसला हो गया शायद, भाई के पीछे वही जो लैंड माइन होता है, क्या होता है, बॉम्ब होता है, वो नीचे आया हुआ है शायद। रुको रुको, आराम से आराम से आराम से,
जी क्या यार हमारे साथ कुछ हो गया अगर वो तो ये वही है रुको मैं किसी को बुला कर अब हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं बैग उतारो पहले मेरा बैग उतारो यार इधर आओ आराम से रुक पहले मेरा बैग उतारो यार तुम भी पाँव देख के रखो कहीं और जगह ना हो आराम से हिलना नहीं ओए रुको तुम्हें काम करो पहले सामान सारा दूर रख के आओ तो गाइस है वही चीज है देखो ये वही है यार तुम तो यार दूर हो जाओ तुम दूर हो जाओ यार मैं कैसे दूर हो जाऊं यार तुम दूर हो जाओ बात को समझा करो तुम दूर हो जाओ रुक यार तुम दूर हो यार तुम हिलना नहीं ना सबर करो मेरी बात सुनो ये देखो ये वो ये प्लीज तुम दूर हो जाओ खुदा के लिए तुम दूर हो जाओ यार सबर करो तुम ये वही चीज है हमें नहीं आना चाहिए था इधर अब फंस गए हम तुम नहीं हिलना क्या है भाई हेलो यार बात सुनो जब उसने मना किया था तो हमें नहीं आना चाहिए यार तुम नहीं परेशान तो गाइस मुझे वीडियो नहीं बनाना थी लेकिन मैं फिर भी मजबूरी से बना रहा हूँ अगर तुम चले जाओ यार खुदा के लिए तुम चले जाओ यार अगर तुम हिले तो ये फट सकता है यार तुम मजाक समझ रहे थे इस चीज को मैंने पहले भी मना किया था ना तुम्हें यार कुछ नहीं तो इसका कुछ हल निकालते हैं प्लीज यार वसीम भाई रुको इसके पहले देख पाँव नहीं हिलाना इधर से ज्यादा खोलो रुक रुक नहीं इधर मत मैं खुद इसको छूऊंगा बस ये लैंड माइन अगर इसके ऊपर से पाँव हटाया तो ये फट जाएगा कोई वजनी चीज ढूंढ के आओ यार जल्दी करो यार जाओ कोई वजनी चीज ढूंढ के आओ जल्दी करो इसका कोई हल तो अभी मैंने अपने बैग से शल्ड निकाली इस शल्ड को मैं इस शल्ड के अंदर मैं रेत भरूंगा तो मैंने इस शल्ड में ना ये रेत भर लिए इसका काफी सारा वजन ये रखते हैं भाई के पांव के ऊपर यार अब अगर इसको पैर हटाऊंगा ना हाँ। तो ये कैसे रखेंगे ये हटाऊंगा तो ये उठ फट जाएगा तो इसको देखते नीचे कैमरे से मैं देखता हूँ है क्या चीज हाँ वो ट्रिगर है ये वाला ट्रिगर तुम इसको छोड़ो यार ट्रिगर को यार इसके ऊपर ये कैसे रखे पैर हटाऊंगा तो हाँ रुको हम ये आपका जूता निकाल सकते हैं इस जूते में से पाँव निकालो तो हम इसके ऊपर रख देंगे ये ठीक है इधर ये खोलो इसके ऊपर वजन दो ना रुको हाँ वजन दो खोलो एक मिनट से खोलो तो हम जूते से भाई का पाँव निकाल रहे हैं तो ऐसा आराम से वजन दो। मैंने फुल वजन दिया हुआ यार रुको यार एक काम करो मेरी बात सुनो हाँ तुम जाओ यहाँ से मैं अकेला कर लेता हूँ तुम जाओ नहीं हो जाए ना समझा करो बात को यार तुम तो नहीं तुम यार मेरी बात इसको निकालो अब उसके ऊपर वो रेत रुक जाएंगे तो दोनों जाएंगे मेरी बात सुनो मोबाइल उठाओ तुम मैं इसके ऊपर रख के हमें फौरन भागना होगा समझा करो रुको बात को समझो रुको ये हाँ। मेरे हाथ पे ये रखो ये मट्टी रखो हाँ तेरे हाथ पे रखो तो ये मट्टी का इतना वजन नहीं है
मैं मोबाइल उठा लूं, अब भागना है। हाँ ये तो अब हमें ना इसको छोड़ के यहीं से फटाफट भागना होगा। मेरे हाथ नीचे हैं, फटाफट भागना होगा। नहीं हमें ना गहराई की तरफ जाना होगा, गहराई इस साइड पे, समझ आई? यार हाथ मैंने पहले पर निकालने हैं, हाथ निकालने पहले मुझे। ऐसा ऐसा इसको पर, इसको पर जितना हो सके वजन दो। मैं वजन दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा से हाथ निकालो। वजन दो, वजन दो, दूसरा हाथ निकालो, वजन दो। मिट्टी का इतना वजन नहीं है। जूता मेरा नीचे रह गया, मिट्टी का इतना वजन नहीं है। या अल्लाह, तो अब हमें ना कर, हमें भागना होगा है, इसे छुड़ा के ना भागना है। ठीक है, रुको पहले रनिंग पोजीशन में, रनिंग पोजीशन में कि वो सुनो मेरी बात, कुछ भी हो जाए कैमरा बंद नहीं करना। चलो ठीक है, कैमरा बंद नहीं करना। ठीक है यार, चलो भागो यार, भाग ना जाए। 1 2 3 स्टार्ट, गो। तो गाइस हम वहां से भाग गए। वो देखो वहां पे धुआं है, हमारे बैग वगैरह। हाँ बैग, बैग वहीं रह गए हैं, हमें बैग उठाने चाहिए और चलते हैं आराम से और ध्यान से जाना होगा। चलो चलो रखना। वो देखें गाइस वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, अल्लाह की कसम बच गया, हमें अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह तेरा लाख सा शुक्र है। ये पंगा फिर नहीं लेना है, अब ख्याल से ये देखो यहाँ पे ब्लास्ट है, हमें तो होश नहीं रहा कि हम वीडियो बना सके। अभी ध्यान से वसीम भाई, ये देखें ये काफी गड्ढा बन गया यहाँ पे, गड्ढा बन गया। हाँ ये देखो, अगर फ्लैश ऑन कर लूँ, रुको। तो क्या बोल रहे थे, आग वहाँ तक गई है, वहाँ तक, वहाँ तक गया बिल्कुल। ये देखें बार बार बचे हम बड़ी मुश्किल से, तो आप प्लीज कोशिश करें कि ऐसी जगह पे आप ना आए, हमने तो गलती की है लेकिन आप ना करें। मैं कसम से जिंदगी में ये मेरी, मेरा जूता पता नहीं किधर गया, मुझे पता नहीं, अब दफा करो उसको, जूता दफा करो अभी। जूता रखा था वो किधर होगा, उसके तो टुकड़े उड़ गए भाई, वो कहाँ होगा। भाई खुदा ने बचा लिया, आज के बाद ऐसे दोबारा वीडियो नहीं बनाना। तो गाइस वीडियो का यही एंड करते हैं, तो प्लीज कोई ऐसी वीडियो ना बनाए यार, प्लीज खुदा के लिए ऐसी वीडियो कोई ना बनाए, हमसे ये आखिरी गलती हुई आज के बाद, हमने ऐसी कभी वीडियो नहीं बनानी यार, ऐसी जगह पे नहीं जाना। वीडियो खत्म कर दो यार। तो गाइस हम वीडियो को यही एंड करते हैं, खुदा ने जान बचा दिया आज, इस चीज को छोड़ दो यार, दफा करो वीडियो को, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बच गए। ओके खुदा हाफिज़।